Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. Hopefully you are fine students. Stay with your homes. Unit number 4, Turning Effect of Force. Page 112, Topic 4.5, Torque at Moment of Force. First we have to define what the torque is. A torque is a turning effect that is produced by the force. Means that whenever we apply the force on a body, it shows the movement. हम जब भी फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी मूव करती है, बॉडी टर्न करती है, तो हम क्या कहते हैं, बॉडी शुड बी टॉर्क. अब ये जो टॉर्क है, इट्स द टर्निंग इफेक्ट. मींस दैट कि हमारे पास बॉडीज लीनियरली भी मूव करती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स है ना, मोशन के डिफरेंट टाइप्स है. अब हमारे पास जो टॉर्क है, इसमें बॉडी एक एक्सिस के अलॉन्ग मूव करती है, ठीक है. अब कहता है कि हमारे पास जो टॉर्क है, इसे हम मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं, इसे भी मोमेंट भी कहते हैं. नाउ हियर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं और हम देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास टॉर्क कैसे अफेक्ट होता है. तो यहाँ पे हमने एक बुक ली, बुक हमारे पास एक टेबल पे पड़ी है. द शेप ऑफ बुक इज रेक्टेंगुलर, आर स्क्वायर एंड व्हाट एवर. लेकिन बताने का मकसद ये है कि हमारे पास जो बुक है ये ज्योमेट्रिकल शेप में है. तो हमने ये पढ़ा था लास्ट टॉपिक में कि हमारे पास जो ज्योमेट्रिकल बॉडीज होती हैं उनका हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता होता है. तो हमने क्या कहा कि हम बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं, बॉडी के एजेस पे उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को अपने माइंड में रखते हुए कि इस जगह उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और हम बॉडी पे फोर्स अप्लाई करें, हमने ये देखना है क्या होता है. अब हम क्या करेंगे, ग्रेजुअली अपना जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कम या ज़्यादा करेंगे. तो हमने ऑब्जर्व करना है कि जब हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डिस्टेंस ज़्यादा किया तब क्या हुआ, और जब हमारा डिस्टेंस कम था तब क्या हुआ. ये सारी ऑब्जर्वेशंस करनी है. तो ये सारी ऑब्जर्वेशंस करने के बाद हमारे पास रिजल्ट क्या है, वी आर गोइंग टूवर्ड्स दैट. ये देखिए बच्चों, हमारे पास ये रही एक बुक एंड वी आर अप्लाइंग द फोर्स एंड हियर इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक. अब हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अफेक्ट कर रही है हमारे पास टॉर्क को अफेक्ट कौन कौन सी चीज़ें कर रही है. तो हमारे पास सबसे पहले है डिस्टेंस. कौन सा डिस्टेंस, हमारे पास हमारे हाथ से लेके जहाँ पे मूवमेंट हो रही है, द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन, बॉडी जहाँ पे मूव कर रही है एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन. मीन्स दैट ये लाइन ऑफ एक्शन है, लाइन ऑफ एक्शन जहाँ पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस डायरेक्शन में. और दूसरा हमारे पास रोटेशन का ऑरी है, उस तक का जो डिस्टेंस है उसे हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास वो अफेक्ट करता है. इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे. और दूसरा हमारे पास साइज ऑफ फोर्स, कि हम कितनी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बॉडी पे, वो अफेक्ट करती है. फर्स्ट वन इज द डिस्टेंस एंड सेकेंड वन इज द साइज ऑफ फोर्स. अब इन दो चीज़ों को देखते हुए, मतलब फैक्टर्स को देखते हुए, टॉर्क की प्रॉपर डेफिनेशन करते हैं, ठीक. और इस डेफिनेशन में हमारे पास इसकी मैथमेटिकल फॉर्म भी डिस्कस होगी, जो हम उससे नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे. व्हाट इज दैट, द टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स. टर्निंग इफेक्ट मींस बॉडी का टर्निंग इफेक्ट, मूवमेंट जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं किसकी वजह से प्रोड्यूस कर रहे हैं, फोर्स की वजह से. इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, किस पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड पे एंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. हमारे पास जो टा है, टॉर्क है, टॉर्क को हम टा बोलते हैं, ठीक है. वो दो चीज़ों पे डिपेंड करे, एक किस पे, फोर्स पे डिपेंड करे और दूसरा डिस्टेंस पे डिपेंड करे, ठीक. अब आगे आ जाए तो हमने जो फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था कि हमारे पास जो डिस्टेंस है उस पे डिपेंड करता है. अब हमारे पास ये जो डिस्टेंस है लाइन ऑफ एक्शन से लेके लाइन ऑफ रोटेशन तक, इसको कहते क्या है, ये शॉर्टली कॉल्ड इट मोमेंट आर्म. बच्चों इसे क्या बोलते हैं, मोमेंट आर्म. और इसे ये देखिए डायग्राम में आर से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक. नाउ हम मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ आ जाते हैं. बच्चों यहाँ पे टी लिखा हुआ है ना, बिकॉज आई कांट टा नहीं लिखने हो रहा था. आपने अपनी बुक में देखना है या फिर अपने पास देखिएगा, ये जो टॉर्क होता है इसके लिए जो सिंबल होता है वो अलीमदा की तरह होता है. जैसे उर्दू में अली बे पे, उसमें जो अलीमदा होता है ना, उसकी तरह इसका सिंबल होता है, ठीक है.
अब कहते हैं कि हमारे पास टॉ की जो मैथमेटिकल फॉर्म है व्हाट इज दैट, इसे हम पढ़ते हैं टॉ इज इक्वल्स टू एफ क्रॉस आर. ठीक है, एफ इज व्हाट, एफ इज द फोर्स एंड आर इज द डिस्टेंस. डिस्टेंस पे यहाँ हमने आर से रिप्रेजेंट किया है ना, तो आर इज द डिस्टेंस. अब कहते हैं टॉर्क, टा इज द टॉर्क, एफ इज द फोर्स एंड आर इज द मोमेंट आर्म, ये डिस्टेंस. अब इनकी यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर. टॉर्क की क्या है, न्यूटन मीटर. फोर्स की हमारे पास न्यूटन होती है एंड डिस्टेंस हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं. तो हमारे पास टॉर्क की ऐसा यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर. न्यूटन और मीटर दोनों से न्यूटन मीटर. अब हमारे पास बच्चों ये जो टॉर्क है ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है. वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, द क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिनमें हमारे पास मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है. तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी दो डायरेक्शंस होंगी, एक होती है बच्चों हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन और दूसरी होती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. पेज नंबर 113 के एंड पे ये आपको मिलेगा. ठीक है, कि हमारे पास टॉर्क जो होता है, जो क्लॉकवाइज टॉर्क जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, नेगेटिव. क्लॉकवाइज टॉर्क को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव टॉर्क. ठीक, ये देखिए, और जो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज होता है उसे हम पॉजिटिव टॉर्क कहते हैं.